बस खाना है और पीना है, बस खाते पीते रहना है, खाना और पीना जीना है, ऐसे ही जीते रहना है। कमजोरों में वो जोर नहीं के अपने आगे डट जाए, हम डोर नहीं जो कट जाए, हम ढोल नहीं जो फट जाए, हम पोल नहीं जो खुल जाए, हम पहले ही इतने खुले हैं। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रस खुले हैं, हाय हाय। मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रस खुले हैं। माँ, बड़ी गंदी बच्ची है। ये देखिए आज लाइब्रेरी से मैं क्या लाई। क्या लाई है पुत्र? वैसे तू बड़ा दिल लगा के पढ़ती है, शाबाश पुत्र। हाँ, ये कोई आम शाम किताब नहीं है। हाँ पुत्र, मैं समझ गई, ये शौर के दिल जीतने के 101 नुस्खे होंगे इसमें। तो माँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तू क्यों इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रही है? माँ, इस किताब के जरिए हम किसी भी रूह को बुलवा सकते हैं। सच पुत्र? हाँ माँ, और हम उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। नहीं पुत्र, ये तो बड़ा खतरनाक काम है। मैं किसी से नहीं डरती माँ, मैं खतरों की खिलाड़ी हूँ। अगर मैं भी अपने जमाने में कबड्डी की खिलाड़ी थी। माँ, यहाँ रूह बुलवाने की बात हो रही है। फिर तू एक काम कर, तू ना राजेश जी से रूह बुला दे। राजेश? राजेश खन्ना पुत्र। पर माँ, उनकी रूह बुलवा के हम क्या करेंगे? कोमल पुत्र, तू नहीं जाती, राजेश जी की और मेरी बड़ी गहरी दोस्ती थी जी। वो जो उन्होंने गाना नहीं गाया था, पूरे रंग बिना इतना गुमान कर, वो मेरे लिए गाया था, मेरी मोहब्बत में गाया था। माँ, उनकी रूह तो बहुत दूर से आएगी, हम ना सिर्फ पाकिस्तानी रूह बुलाएंगे। हा? अच्छा, तो फिर तू एक काम कर, वहीद जी को बुला ले। वहीद जी? उधर वहीद मुराद। जी माँ, पागल पति नु वहीद मुराद का ही नहीं पता, हीरो से साड़ा। ओए हटरा, और तूने कराया कब देना है? दे दूंगा खाजा साहब, अगले महीने की 32 तारीख को पक्का। अच्छा अच्छा, क्या? ओए, कौन सी 32 तारीख? अब्बा जी देखे मैं क्या लेके आई हूँ। कोमल पुत्र, तुम्हें पता है मुझे किताबों का कोई शौक ही नहीं है। अब्बा जी, शौक तो बाजी को भी नहीं है, सिर्फ अपने एग्जाम के दिनों में खुलती किताबें, और वो भी फर्रे बनाने के लिए। चुप कर जा छोटू, बाहर वालों के सामने कम से कम अपना मुंह बंद रखा करो। ओ हेलो, बाहर वाली होगी तुम, मैं तो किराया देता हूँ भाई, मैं मुफ्त में नहीं रहता। कौन सा किराया? मतलब खाजा साहब, दे दूंगा ना किराया। इसको छोड़ना, ये बकवास करता रहता। मेरी बात सुनो, इस किताब के जरिए हम 100 साल पुरानी रूहें बुलवा सकते हैं। क्या? हाँ, जल्दी से बता किस रूह को बुलाओ। ओए कोमल, कैसी बातें कर रही है, कोई जरूरत नहीं ऐसे चक्रों में पड़ने की। नहीं नहीं नहीं, खाजा साहब, जिंदगी में पहली बार ये लड़की कोई ढंग की बात कर रही है, हम लोग बुला लेते हैं ना रूह। हाँ बाजी, प्लीज प्लीज। खामोश, किसी को इस मौजू के ऊपर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हद्दू गई। कोमल पुत्र, क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो तू इतनी खुश थी, पर एकदम मुंह बना के आ गई है। इस घर में कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा। हाय बेटा, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ ना, ये देखो टींडे। मैं टींडों का क्या करूँगी माँ? तुमने तो कहा था कि टींडे बना दो, मैं फौरन मान गई। हाँ, मैं टींडों की बात नहीं कर रही। तो फिर किसी ने मेरी रूह बुलवाने की बात को सीरियस ही नहीं लिया। तू पुत्र दिल छोटा ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। और मांटी जान, मैं भी। इसको कहते हैं सच्चा प्यार। नहीं मांटी जान, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है, वो असल में इस वजह से मैं इसका साथ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सोनिया की रूह बुलवानी। सोनिया कौन है? सोनिया वो मेरे बड़ी अच्छी सोशल वर्कर थी, बड़ी खिदमत करती थी माशरे की, लाखों रुपए उसने मुझ पर खर्च किए, गिफ्ट्स वगैरह बड़े दिया करती थी। बड़ी फजूल खर्च थी। नहीं नहीं मांटी जान, देखिए मरने वाले के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते। अच्छा, और कल जो तुम अपने दोस्त की वफात पर कह रहे थे, खसकम जहां पाक, वो तो मैंने उसको 50-60 हजार रुपए जो देने थे। बड़े घटिया किस्म के आदमी हो तुम फरा। कितना अच्छा लग रहा है ना तुम दोनों को यूं लड़ते हुए, बिल्कुल मियां बीवी लग रहे हो। मां प्लीज, अभी हम रूह को बुलवाने की तैयारी करें। हाँ हाँ पुत्र, मैं रिक्शा मंगा देती हूँ, जा फरात पुत्र। आपको कहाँ जाना मांटी जान? ओए, मैं रूह बुलाने के लिए कह रही हूँ। माँ, रूह रिक्शे में थोड़ी आएगी। क्यों पुत्र, उसकी अपनी गाड़ी है। आप चले, बस चले। आ रहे हैं।
क्योंकि माँ रू इस ग्लास के अंदर आएगी। पुत्र ग्लास में उसका दाम नहीं कूट जाएगा रू का। ऐसा करते मैं बर्ची खाने से ना पतीली लाती हूँ बड़ी वाली, उसको बुठा कर देते। माटी जान वो रू कहीं भी आ सकती है। सब अपनी उंगलियां ग्लास के ऊपर रखे, याद रहे जब तक रू ग्लास के अंदर नहीं आ जाती अपनी उंगलियां कोई ग्लास पर से नहीं हटाए। जब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले ना सोनिया की रूह को बुलाना। अच्छा कोई सोनिया वोनिया नहीं आने वाली, समझे? क्या? हाँ पुत्र, हम ना राजेश खन्ना की रूह को बुला लेते हैं। नहीं माँ, मैं सबसे पहले अपने कॉलेज के प्रोफेसर की रूह को बुलवाऊंगी, मेरे एग्जाम्स नजदीक है ना। तो तुम एक रूह से ट्यूशन पढ़ोगी? नहीं, मैं तो सिर्फ रूह से ये पूछना कि एग्जाम्स में कौन कौन से सवाल आने। चीटिंग, चीटर। मुझे कहती फिरती और खुद रूह से पर्ची आउट करवाओगी? एक पर्ची के लिए रूह को बुलाने की क्या जरूरत है, कार में इतने सारी पर्चियां पड़ी हैं। माँ बस, मैं अपने प्रोफेसर की रूह को बुलाने लगी हूँ बस। नहीं नहीं, रूह आएगी तो सबसे पहले सोनिया की। नहीं, हम राजेश खन्ना की रूह को बुलाते हैं। मांटी जान, सोनिया की। हम किसी सोनिया मोनी की रूह को नहीं बुलाने वाले, पता नहीं उसकी रूह कैसी हो। तुमसे तो बहुत ही अच्छी होगी, तुम तो मरने के बाद सीधा चुड़ैल बनोगी। क्या? आई एम सो सॉरी, चुड़ैल तो तुम ऑलरेडी हो। मेरी रूह तुमसे लाख दर्जे अच्छी है, समझे? मेरी रूह ज्यादा अच्छी। मेरी रूह ज्यादा अच्छी। मेरी रूह, मेरी रूह, मेरी रूह, मेरी रूह। बस कर दो तुम लोग। लेकिन कोमल, प्राण कोमल, प्राण कोमल। मेरे बच्चे उठो, उठ जाओ रात कोमल। ये सब इस किताब की वजह से हुआ है। ख्वाजा साहब को पता लग गया तो मुझे बड़ा डांटेंगे। मैं हुणे इसको फेंक देती हूँ। जान मेरे बच्चे। अभी पानी लेके जाती हूँ गिलास पे, उनके मुंह पे छिड़कती हूँ। माँ माँ, ये देखिए क्या हो गया है। फरहाद पुत्र, तुम मुझे माँ कह रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुमने ना पक्का पक्का मेरा दामाद बनने का ना फैसला कर लिया। उफ़ माँ, मैं कोमल हूँ। क्या फरहाद पुत्र, तू कोमल कैसे हो सकता है? माँ मुझे बार बार फरहाद मत बुलाए, मुझे नफरत होने लगी है खुद से। मैं कोमल हूँ भाई। फरहाद पुत्र, अगर तू कोमल है तो फरहाद किथे वे? मैं यहाँ हूँ मांटी जान। हाय कोमल पुत्र, तू अगर फरहाद बन गया तो मैं फरहाद से तेरा ब्याह कैसे करूंगी? माँ मुझे नहीं करनी इससे कोई शादी वादी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पुत्र। मांटी जान, कोमल के इस बकवास रूह बुलाने वाले आइडिया की वजह से हमारी रूहें एक्सचेंज हो गई हैं। क्या? हाँ माँ, और मेरा तो शदीद दम घुट रहा है यहाँ। जाहिर है, हजार गज के प्लॉट से निकलकर दो कमरों के फ्लैट में जाओगी तो यही लगेगा ना। ए, ज्यादा बकवास मत कर। तुम मुझे धमका रही हो? हाँ, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों? सोनिया से किसने मिलना था? मुझे क्या पता था, तुम एक नंबर की कूड़ मगज हो। माँ ये कूड़ मगज क्या होता है? आई डोंट नो पुत्र। कूड़ मगज मतलब डम, जो कि तुम हो। दो पैसे का दबाव नहीं है तुम्हारे पास। ए, ए, ए। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब, कोमल फरहाद बन गया और फरहाद जो है कोमल बन गई। जीला, और ये क्या कह रही हो? हाँ ख्वाजा साहब, कोमल कोमल नहीं और फरहाद फरहाद नहीं है। मेरा मतलब है कोमल फरहाद बन गया और जो फरहाद है ना वो कोमल बन गई है। ओहो, क्या कह रही हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मैं तो बिल्कुल ठीक है, बस वो बदल गए जे। क्या मतलब? फरहाद अब कोमल बन गया और कोमल जो है फरहाद बन गया, मेरा मतलब बन गई है। ओ, मुझे ये बताओ, तुम सजीला ही हो कि कुछ और बन गई हो? ओहो ख्वाजा साहब, हम ना रूह बुला रहे थे, उस चक्कर में ना दोनों की रूहें इधर उधर हो गई हैं। ओ क्या इधर उधर हो गई है? फरहाद और कोमल की रूह बदल गई है। ओ ये कैसे मुमकिन है? ओ मैं नहीं मानता। नहीं मानते तो जरा खुद जाके देखे। अच्छा हाँ। मैं देखता हूँ अभी। कोमल पुत्र, और तूने उस मुफ्तखोर हाटर राम को कहीं देखा है? किसको? ओ एक ही तो है इस घर के अंदर, मुफ्तखोर हाटर राम, फरहाद। ख्वाजा साहब, मैं फरहाद ही हूँ।
क्या? हाँ, ये सब मांटी जान की उस चपनी की वजह से हुआ है। और मेरी मासूम बेटी के साथ क्या हो गया? कौन सी मासूम बेटी, मासूम तो मैं हूँ। इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी थी मेरी और अब ये हजार गज की हवेली। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तोड़े ना ख्वाजा साहब, तोड़े तोड़े। पर ये तो मेरी बेटी का चेहरा है। पर मैं आपकी बेटी हूँ नहीं, मैं फरहाद हूँ, फरहाद, याद रखिएगा। और तू मुझे धमकी दे रहा है? हाँ, दे रहा हूँ। देखे क्या हाल बना दिया मेरा। लड़कियां मरती थी मुझ पर और अब? ओए अब क्या, रणबीर कपूर से सीधा रंगीला ही बना दिया मुझे। ओए तुझे किसने कहा था कि तू कोमल का साथ दे और रूहे बुला? तू अपने आप को पीर फकीर समझता है? एक गलती की इतनी बड़ी सजा, मैंने सोच लिया है अब। क्या कि तू जिंदगी भर ऐसा रहेगा? नहीं, मैं आप लोगों पर केस कर दूंगा, अदालत लेकर जाऊंगा। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ भरी जवानी में। ओए मैं ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ? लड़की तक तो बना डाला है मुझे, और क्या करना बाकी रह गया? मुफ्तखोरी और मकारी की इतनी बड़ी सजा तो कभी किसी को नहीं मिली होगी। ओए अच्छा अच्छा, बस कोमल पुत्र, मैं फरहाद हूँ। फरहाद, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा, कहाँ से ठीक होगा? ये ठीक नहीं होगा। अल्लाह, मैंने आपसे 125 किलोग्राम ही दे दिया। लेकिन ये शुक्र है कि मुझे इतने घने बाल मिल गए, वरना मैं तो पक्का पक्का गंजाई हो गया था। कोमल के बालों में तो खुश्की भी नहीं है। खुशबू भी अच्छी आ रही है। उए, 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 बालों कितने सॉफ्ट सॉफ्ट से हैं। लेकिन अब मुझे अपना सारा जिस्म ढाम ढाम के रखना पड़ेगा, सरेआम नहा भी नहीं सकता। और अब तो मुझे किसी लड़के से शादी करनी पड़ेगी। नहीं, अल्लाह जी, ये क्या हाल हो गया मेरा। इसकी रंग तो कितना गोरा हो गया, लग रफ, इतनी रफ। यो अल्लाह, ये कितने सदियों से नहीं नहाया। मैंने वैक्स कर दूंगी। कमर, मेरी एक्चुअली कमर निकल आई। वैक्स, इन हाथों का यही हाल है बेटा, तुम्हारी पूरी बॉडी वैक्स कर दूंगी मैं, कट्स बना दूंगी। और बोल फराज, और बोल। मेरी बाल, मेरे प्यारे प्यारे लंबे लंबे बाल, अब पिन बालों में पिने कौन लगाएगा, आगे करके पीछे झटकेगा कौन? ये क्या किया तुमने? क्या किया है मैंने? तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बालों में फूल लगाने की? हे फरहाद के बच्चे, मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अभी तुम्हारे सारे बाल काट देता हूँ। खबरदार, जो मेरे बालों को हाथ भी लगाया तो तुम निकालो ये फूल मेरे बालों से। मैं अभी अब्बा जान से कहती हूँ तुम्हें घर से निकालने के लिए। हाँ हाँ, कह दो, जाओ, फिर बैठी रहना जिंदगी भर ऐसे ही। ठीक है, अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड्स के पास जा जाकर तुम्हारा इंप्रेशन खराब ना किया ना, तो मेरा नाम भी कोमल है। खबरदार, खबरदार, जो मेरी किसी गर्लफ्रेंड से बात की वो भी इस हाल में। करूंगी करूंगी करूंगी। ठीक है, तो फिर मैं भी इस मैदान जैसे मुंह पर शेव कर करके दाढ़ी मूछ उगाऊंगा उगाऊंगा उगाऊंगा। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। फरहाद भाई, आप मेरे और कोमल बाजी के कमरे में क्या कर रहे हैं? हाँ, जरूर उस दिन की तरह
कोमल बाजी के पर्स में से पैसे निकालने आए होंगे। क्या? हाँ, और इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगा मुंह बंद रखने के लिए। इधर आओ, मुंह तो मैं बंद करती हूँ तेरा। आई, मैं अभी बुलाता हूँ कोमल बाजी को। कोमल बाजी, मैं कोमल ही हूँ। क्या? हाँ, मैं कोमल ही हूँ। वो हम रूह बुला रहे थे पर फरहाद की बेवकूफी की वजह से हमारी रूह एक्सचेंज हो गई। कोमल बाजी, इसका मतलब है कि मेरे अंदर भी सुपरमैन की रूह आ सकती है। चुप कर हो चुप। यहाँ मैं मुसीबत में हूँ और तू खुश हो रहा है। आप उदास क्यों हो रही हैं? ये तो अच्छी बात है। अच्छा, इसमें क्या अच्छी बात है? इसके अंदर ये अच्छी बात है कि स्कूल में कोई भी मुझे तंग करेगा ना तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा उसकी पिटाई के लिए। छोड़ छोटू, मेरा उस फरहाद के बच्चे ने जीना दोबर किया हुआ है। मुझे इल्जाम दे रहे हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो फिर और किसकी वजह से हुआ है? उस किताब की वजह से। इसका मतलब है बाजी कि उस किताब की मदद से मेरे अंदर सुपरमैन की रूह आ सकती है। वैसे कहाँ है वो किताब? वही तो नहीं मिल रही है छोटू। अगर मुझे वो किताब मिल जाए तो मैं सुपरमैन बन सकता हूँ। कोमल बाजी, सॉरी सॉरी, मेरा मतलब है फरहाद भाई, आप इतना ज्यादा क्यों खा रहे हैं? पता नहीं मुझे हर आधे घंटे के बाद इतनी भूख क्यों लग रही है। वो इसलिए क्योंकि आपकी रूह कोमल बाजी की बॉडी में। तू यहाँ बैठा मुझे क्या घूर रहा है? चल निकल यहाँ से। तो मैं तो खाना लेने आया था। कुछ नहीं है, सब खा गया मैं। ये तुम लोगों की हाथी जितनी भूख अब मेरी समझ में आई है। क्या आपने सारा खाना खा लिया कोमल बाजी? ओए, मेरा मतलब है फरहाद भाई, अब मैं क्या खाऊंगा? और कोमल बाजी तो अभी तक भूखी हैं। ओए छोटी, निकल वाले छोटू, चल निकल यहाँ से। मुझे गुस्सा ना दिला, वैसे ही बड़ा मसला हुआ है। खाली कर दिया और वहाँ लॉन में बैठकर कोमल बाजी रो रही है। क्या? हाँ माँ, हाँ प्लीज कुछ करे। तू फिकर ना कर पुत्र, मैं कुछ कर लिया, देख लिया, जानते थे हम पहले। में मेरी दाढ़ी और मूंछें निकल आएगी माँ। कोई बात नहीं पुत्र, हम ना फौरन से उसको कटवा देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उफ़ला जी माँ, ये सब कुछ उस फरहाद के बच्चे की वजह से हुआ है। पुत्र, इधर कोई हल तो होएगा ना? हल है माँ, पर उस किताब में। और वो किताब मुझे नहीं मिल रही। मुझे तो लगता है मुझे सारी जिंदगी इस फजूल आदमी की शक्ल में रहना पड़ेगा। अब तो कोई लड़का मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। एक मिनट पुत्र, तेरा ब्रेक दे ला। वो किताब मैं कूड़े छूट देती सी। क्या? माँ आपने वो किताब कूड़े में फेंक दी? लो, सब कुछ उस किताब की वजह से हुआ था, इसीलिए मैंने फेंक दी। माँ वो किताब ढूंढे, उसकी वजह से ही मैं वापस सीख हो सकती हूँ। चल पुत्र, फरहाद पुत्र को बुला लो, आओ चलते हैं। आओ पुत्र, चा भाई आ जाए, आ लपते हम जा। रस से भरे, रस रस से भरे हैं, रस से भरे, रस रस से भरे हैं, रस से तरे, रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते।
रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। शुक्र है मैंने किताब ढूंढ ली, अब मैं सुपरमैन की रूह को अपने अंदर बुलाऊंगा। ओ छोटू ये क्या कर रहा है? अब्बा जी मैं रूह को बुला रहा हूँ। ये किताब यहाँ पड़ी, ये ख्वाजा साहब को क्या हुआ? ओए सजीला मैं मर गया। चुप कर कोचू, माँ को नाम से बुलाता है। कोमल पुत्र मैं तेरा अब्बा हूँ। क्या? छोटू के बच्चे ने इस किताब की मदद से मेरी रूह बदल दी है। ख्वाजा साहब, अगर आप ख्वाजा साहब हैं, तो इसका मतलब है कि छोटू माँ, मैं छोटू हूँ माँ। नहीं, रस से भरे रस, रस से भरे है रस से तरे, रस रस से तरे है रस में भरे रसगुल्ले है, रस रस में भरे रसगुल्ले है। तू गोल मटोल है क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ, बाके और फिक्र को छोड़ अभी, बस वो सुन जो मैं बोलता हूँ। दुनिया भी गोल है, अंडा भी, सूरज भी गोल है, चंदा भी है गोल मोल, हर धंधा भी चक्कर भी गोल है, बंदा भी सब कुछ ही गोल है। दुनिया में हम कौन से ऐसे कल्ले हैं, मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं।